दुनिया में अक्सर लोग उड़ने वाली कारों के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। दरअसल चीनी इलेक्ट्रॉनिक ने एक्सपेक्ट एक वाहन निर्माता ने एक ऐसी कार बनाई है जो आपको हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगी। भविष्य में फ्लाइंग कार ने उड़ने वाली सार्वजनिक उड़ान भरी है जो देखने में बेहद स्टाइलिश लग रही है। बस एक बटन दबाने की देरी है और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगी ये कार। जी हाँ, ये कार दुबई में लॉन्च की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 और मैं हूँ चेतना पर। दुबई के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक की समस्या का समाधान मिलने वाला है, क्योंकि एक चीनी कंपनी ने सोमवार को एक ऐसी कार को दुनिया के सामने पेश किया है जो उड़ने में सक्षम है। कंपनी ने दावा किया है कि यह कार जुलाई से दुबई के आसमान में उड़ान भर लेगी। कंपनी का दावा है कि यह कार 100 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकेगी। कंपनी के मुताबिक इस कार को चलाना बेहद आसान होगा। कंपनी के मुताबिक इसे दो तरीकों से नियंत्रित किया जा सकेगा। अभी तक कार में बैठा ड्राइवर ही कार को नियंत्रित करता था, लेकिन इस कार को रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी ने बताया है कि कार को एक बार चार्ज करने के बाद 30 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। ई हैंग 184 नाम की इस कार को उड़ान भरने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी। यह कार हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भर सकेगी। फिलहाल कार को कम दूरी की उड़ान के हिसाब से तैयार किया गया है। एक बार में 15 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। हालांकि यह अधूरी कार वन सीटर होगी, यानी इसमें केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। कार में बैठने वाले व्यक्ति के सामने एक स्क्रीन लगी होगी से वह सामने देख सकेगा। कार में 8 प्रोपेल्स का शक्तिशाली इंजन लगा है। कार में लगे सेंसर इसे और भी खास बनाते हैं। कार को खास तौर से दुबई के तापमान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दुबई की चिलचिलाती गर्मियों में कई बार कारों का इंजन गर्म हो जाता है, लेकिन इस कार में ऐसा नहीं होगा। इस कार के बाजार में आने के बाद ट्रैफिक की समस्या पर अंकुश लगने की उम्मीद की जा रही है। यह कार पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होगी। इस कार को उड़ान भरने के लिए चार्ज करना होगा। कंपनी ने दावा किया है कि कार को बनाते समय सवारी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज 28 को सब्सक्राइब जरूर।